हेलो दोस्तों, मैं रजनीश और आज के इस क्लास में हम लोग डेटा टाइप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जावा में डेटा टाइप क्या है, कितने तरह का होता है, उनके साइज़ क्या है, उनका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और कुछ और भी इम्पोर्टेंट टर्म्स जो मैं प्रैक्टिकली आपको रन करा के दिखाऊंगा नेटबीन्स IDE में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ हम ये जान लें कि डेटा टाइप का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन जानना ज़रूरी होता है क्योंकि थ्योरी व्योरी में ही आता है तो फिर आसान हो जाता है उसे अच्छे से लिख पाना। डेटा टाइप, अ डेटा टाइप इन प्रोग्रामिंग इज अ क्लासिफिकेशन दैट स्पेसिफाइज विच टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल हैज़, ओके, एंड व्हाट टाइप ऑफ मैथमेटिकल, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी अप्लाइड टू इट। आसान भाषा में इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि डेटा टाइप ये बताता है कि वेरिएबल किस तरह का वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर सकता है और किस तरह के ऑपरेशंस उसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। तो डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। आप कोई भी इंफॉर्मेशन, जो कोई भी वैल्यू प्रोग्राम में अगर लिखना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए उसका डेटा टाइप क्या है। जैसे कि आप अगर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम अभी करना अगर सीख गए हैं या आप ज़्यादा अच्छे से ही जानते हैं डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट को, अगर आपको अच्छे से समझना है तो जैसे सपोज करिए आप ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट ए इक्वल्स टू 25। ये एक स्टेटमेंट है, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट। आपको मैं इसे थोड़ा सा समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है। यहाँ पर इंट है क्या, यहाँ पर इंट जो है वो डेटा का टाइप है। वो ये बताता है कंपाइलर को कि भाई मैं ये वैल्यू जो स्टोर कर रहा हूँ उसका टाइप इंटीजर है, ठीक है। मतलब इसे फिर से मैं समझाता हूँ, पहले ये देख लीजिए, ये जो ए है ये मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। आप वेरिएबल ही बोलना है इसको, वेरिएबल के डेफिनेशन में हम लोग उसको मेमोरी लोकेशन से बताते हैं। और ये है आपका वैल्यू। तो जब आप ये लाइन, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो होता क्या है, कंप्यूटर के मेमोरी में क्या होता है, ऐसा एक डब्बा बन जाता है। डब्बा मतलब एक मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी अलॉट हो जाता है और इसका साइज होगा क्या, 4 बाइट्स। और इस लोकेशन का नाम क्या होगा, ए, और इसके अंदर वैल्यू क्या होगा, 25। तो अगर आपको ये वैल्यू रिट्रीव करना है तो आपको इस ए का यूज़ करना होगा। आप जब भी ए यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में आपको क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इस वेरिएबल में जो वैल्यू डाल रहे हैं, दरअसल वेरिएबल में तो वैल्यू हम लोग नहीं डालते, वेरिएबल तो सिर्फ लोकेशन का नाम होता है। उस लोकेशन में हम एक वैल्यू डालते हैं जिसका साइज़ क्या होगा, 25। और ये इंट ये बताता है कि हम किस तरह का वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। मैं यहाँ पर टर्म जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, वेरिएबल में स्टोर करेंगे, एक्चुअल में इसका टेक्निकल मीनिंग ये नहीं होता है, मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। तो आप इसे समझने के लिए अभी इस तरह से मान लीजिए कि उसी वेरिएबल में मैं ये वैल्यू डाल रहा हूँ, मतलब उस डब्बे में मैं वो जो वैल्यू डाल रहा हूँ वो इंटीजर होना चाहिए, क्लियर। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि डेटा टाइप कितने तरह का होता है। जावा में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं और एक दूसरी कैटेगरी जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की है। तो ये जो प्रिमिटिव है टोटल 8 है, और नॉन प्रिमिटिव में आपके ये स्ट्रिंग है, एरे है, क्लासेस है, इंटरफेस है, मेथड्स है, इस तरह से नॉन प्रिमिटिव को कैटेगराइज किया गया है। तो हम लोग फोकस करेंगे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप पे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप दो पार्ट में देखिए डिवाइडेड है, बूलियन प्रिमिटिव और न्यूमेरिक प्रिमिटिव। तो बूलियन प्रिमिटिव में तो आपका एक डेटा टाइप इंक्लूड है, बूलियन। न्यूमेरिक दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैरेक्टर और इंटीग्रल। कैरेक्टर में आपका एक आता है, कैर। इंटीग्रल दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर में टोटल 4 आते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये चारों इंटीजर के ही टाइप हैं। फ्लोटिंग में आता है फ्लोट और डबल, क्लियर। उसी तरीके से आपका नॉन प्रिमिटिव जो मैंने अभी बताया। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो डेटा टाइप्स हैं इनका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या, मतलब आप इसे ऐसे समझिए कि अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और आपने उसके अंदर कोई वैल्यू डाला ही नहीं, तो अब अगर इस बी को आप एक्सेस करेंगे अपने प्रोग्राम में
तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, मतलब आउटपुट में क्या आएगा, वही होता है डिफॉल्ट वैल्यू। आप कोई वैल्यू नहीं डालोगे तो उसके अंदर प्रोग्राम में जो कंपाइलर है वो उसके अंदर एक वैल्यू अलॉट करेगा, तो वो वैल्यू क्या होगा। क्लियर? तो उसी को हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू बोलते हैं। तो बूलियन का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? बूलियन का डिफॉल्ट वैल्यू है फॉल्स, कैर का डिफॉल्ट वैल्यू है नल कैरेक्टर। ये है नल कैरेक्टर, जिसका कि अगर आप इंटीजर में टाइप कास्ट करेंगे तो आउटपुट आएगा जीरो, मतलब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है जीरो के। ये सबसे मिनिमम वैल्यू होता है कैर डेटा टाइप का। क्लियर? बाइट, बाइट का है जीरो, शॉर्ट का है जीरो, इंट का है जीरो, लॉन्ग का है जीरो, और इसका सफिक्स, एक सफिक्स का यूज करते हैं हम रिप्रेजेंट करने के लिए, वो है एल। फ्लोट का है 0.0, उसका सफिक्स यूज करते हैं एफ, और इसमें होगा 0.0 डी। ये सफिक्स जो है ये आप लोग बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं ये रीड करके छोड़ देते हैं, बट उनको इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है। तो मैं अपने इस वीडियो में इसका मीनिंग भी आप लोगों को बताऊंगा, जो बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है। तो ये मैंने आपको बता दिया इन लोग का क्या डिफॉल्ट वैल्यूज होता है। साथ में अब हम लोग ये जानेंगे कि इनका साइज क्या होता है, मतलब मेमोरी में ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो बूलियन जो है वो 1 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कैर 2 बाइट्स का, बाइट 1 बाइट का, शॉर्ट 2 बाइट्स का, इंट 4 बाइट्स, लॉन्ग 8 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स एंड डबल 8 बाइट्स का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आपको इसको पूरा अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि ये रटने वाला ही चीज़ है। अब हम इसे प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए, ये मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स लिख लिया है, नेटबीन्स अगर आप लोग को इस्तेमाल करना नहीं आता हो तो मैं जट फटाफट बता देता हूँ। ये देखिए, ये फाइल है, यहाँ पर जाइएगा, न्यू प्रोजेक्ट में जाइएगा, न्यू प्रोजेक्ट में जाकर आप कोई भी एक प्रोजेक्ट चूज़ कीजिएगा, रैंडम कोई प्रोजेक्ट। मैंने यहाँ पे जावा लिया, सॉरी जावा लिया, तो जावा एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे किए, यहाँ पे जाके हम कोई भी एक एप्लीकेशन का नाम, प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, डमी, और मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूँगा, मेरा वो प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो वो बन जाएगा तो कुछ ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे मैंने मेरा लर्नर बन गया, ठीक है। अब इस लर्नर के अंदर मेरा एक सोर्स पैकेज है, सोर्स पैकेज में जाकर मैंने एक क्लास बनाया, उस क्लास का नाम है डेटा टाइप्स। और भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो नेटबीन्स के थ्रू कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, ये मेरे ट्यूटोरियल में एक वीडियो है, वहाँ पर जाकर आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर? अब हम लोग सीधा आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है भाई? कैर सी एच। अब ये सी एच को क्या हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं? नहीं, डिस्प्ले कर सकते, डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं कर सकते, हमको इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्लास के जस्ट बाद जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स होता है, उसको हम लोग मेन मेथड में एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है डिटेल में, आप वहां जाकर देख लीजिएगा, डेटा टाइप्स। क्लियर? अब मैं अगर इसे डिस्प्ले करूं तो क्या आउटपुट आएगा, आप खुद सोचो। यहां पे अगर मैं लिखूं ओबी डॉट सी एच, कुछ नहीं आएगा, नल कैरेक्टर है वो, ब्लैंक, यू विल नॉट गेट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। ओके, अब हम लोग, मैं अभी आउटपुट इसका दिखा दूंगा आपको, ये है बी और सी, इसको अगर आप डिस्प्ले करेंगे आपको आउटपुट में 0.0 0.0 मिलेगा। क्लियर? ये जो आपका डी, INT, शॉर्ट, लॉन्ग और बाइट, इसे आप डिस्प्ले करेंगे आपको आउटपुट में सब में 0 मिलेगा। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वो सफिक्स का क्या काम है। ओके, वहाँ पे आने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा देता हूँ, बड़ा मज़ेदार चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वैल्यू को इंटीजर में टाइप कास्ट करेंगे ना तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ 0, क्योंकि जो कैरेक्टर वेरिएबल्स होते हैं उनका डिफॉल्ट वैल्यू होता है नल कैरेक्टर, और उनका डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू जो होता है वो होता है 0। तो इसे अगर मैं रन कराऊंगा तो आपको आउटपुट में अभी दिख जाएगा यहाँ पे, तो आप लोगों को लगेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। ये देखिए आउटपुट में क्या आया, 0। और ये जो पहले में जो थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा है ना, वो इसकी वजह से आ रहा है स्पेस, ये जो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है उसकी वजह से। अगर मैं इसे हटा दूँ यहाँ से तो वो स्पेस नहीं आएगा वहाँ पे, देखिए अब नहीं आ रहा है, अब थोड़ा सा लेफ्ट में और चला गया आउटपुट। तो इसे जो आप डिस्प्ले कर रहे हैं ना, ये आपको कुछ मिल नहीं रहा है, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं मिला, ब्लैंक है वो। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे मान लीजिए इसे डिस्प्ले कर देते हैं तो आपको पता चल जाए एक बार कि क्या आउटपुट आएगा। ये हो गया बी,
और साथ में उसी के बगल में ओ बी डॉट सी। देखिए बाकी ये जो वेरिएबल्स है ना, आप इसे खुद डिस्प्ले करना, आपको जीरो मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आप खुद ही कर लेना उसे। ये देखिए आपको आउटपुट में क्या मिला है, 0.0 0.0। अब मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ ये भी काफ़ी मज़ेदार है। देखिए अगर सपोज करिए आपने लिखा लॉन्ग, अब आपको तो पता है अभी लॉन्ग का साइज़ बहुत बड़ा होता है। आपने एक वेरिएबल लिया लॉन्ग नम इक्वल्स टू, अब मान लीजिए हम धड़ल्ले से इसमें नंबर डालना शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 12345 6 7 8, और बड़ा हो गया नंबर। और मैंने यहाँ पे एक सेमी कोलन दे दिया। देखिए आईडी का ये कमाल है, देखिए मैंने सेमी कोलन नहीं दिया, ये पहले से बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये तो एरर है। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन, ये बल्ब पे रेड इंडिकेटर, वो बता रहा है कि सेमी कोलन एक्सपेक्टेड। तो ये है कमाल आईडीई का, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने 9 डाला, अभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। ये जो रेंज है, ये जो आप लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाई डिफॉल्ट ये एक इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू का एक रेंज होता है। आप जैसे उस रेंज के बाहर जाएंगे तो आपको एक एरर मैसेज आएगा, अभी तक वो एरर मैसेज नहीं आया। अब मैं एक नंबर डाल दिया 4, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, आपको यहाँ पे बोल रहा है इंटीजर नंबर। आप एकदम ध्यान से देखिए क्या वहाँ पे बोल रहा है, इंटीजर नंबर टू लार्ज बोल रहा है, इंटीजर नंबर टू लार्ज। एक सेकेंड मैं थोड़ा, इंटीजर नंबर टू लार्ज, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इंटीजर का रेंज होता है, आप उस रेंज को क्रॉस कर गए हैं। ठीक है, रेंज आप जाकर गूगल करिएगा, आपको उसका रेंज पता चल जाएगा। ये रेंज अभी तक देखिए रेंज में है, ये इंटीजर वैल्यू के रेंज में है। जैसे मैंने उसमें एक और डिजिट डाला रेंज के, वो बाहर चला गया। तो अब क्या किया जाए, इंटीजर का तो रेंज क्रॉस हो गया, तब हम यहाँ पर सफिक्स का यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो लॉन्ग लिखा हुआ है, तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है? लॉन्ग लिखा हुआ है इसका मतलब है कि मेमोरी में तो लॉन्ग के लिए 8 बाइट्स स्पेस ऑक्यूपाइड होता है, तो उसके अंदर तो ये वैल्यू आ जाना चाहिए। नहीं, अभी स्पेस ऑक्यूपाइड हुआ नहीं है, अभी तो हम सिर्फ कोड को कर रहे हैं। ठीक है, पहला चीज। और दूसरा चीज, हम बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू टाइप करते हैं इंटीजर वैल्यू, उसका साइज 4 बाइट्स होता है, उसका रेंज लिमिटेड है। रेंज तो लॉन्ग का भी लिमिटेड है, बट लॉन्ग के कंपेटिवली इंटीजर का आईएनटी का छोटा होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे सफिक्स एल का इस्तेमाल करें, आप स्मॉल एल भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल एल भी यूज कर सकते हैं, बट प्रीफर कैपिटल एल किया जाता है, क्योंकि जो स्मॉल एल होता है उसका थोड़ा लाइक, अब देखिए मैं स्मॉल एल लिख रहा हूँ, ये थोड़ा वन की तरह लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कैपिटल एल लिख रहा हूँ। तो अब क्या हुआ कि हम कोड जो ये कर रहे हैं यहाँ पर, अब ये जो इंटीजर वैल्यू ये आईएनटी से रिलेट नहीं कर रहा है। अब हम मतलब प्रोग्रामर जो है वो कह रहा है कि मुझे इसे इंटीजर की तरह ट्रीट नहीं कराना, मुझे इसे लॉन्ग की तरह ट्रीट कराना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल का इस्तेमाल किया। क्लियर? तो ये है सफिक्स, सफिक्स के इस्तेमाल से हमें ये बेनिफिट मिल जाता है। क्लियर? आई होप मैं अभी समझ सकता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा कि जो एल आप बुक में पढ़ते थे, 2L 3L जो भी 0L लिखा है डिफॉल्ट वैल्यू, इसमें यहाँ पर एल का क्या रोल है एक्चुअली में। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में से शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मैं बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ, और आप ट्यूटोरियल को मेरे बिगिनिंग से फॉलो करिएगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोर जावा है उसका बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।